कोतमा विधानसभा क्षेत्र के नवगठित नगर परिषद डोला डूमर कछार और बनगवा में कर्मचारियों की भर्ती और संविलियन किए गए हैं, जिसके संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर 31 दिसंबर को युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान अपने संगठन के साथ कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर पहुंचे और इस मामले पर जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर पुनः कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद बनगवा डोला डूमर कछार अनूपपुर जिले में 3 नगर परिषद का गठन हुआ, वहीं शहडोल जिले में 1 नगर परिषद का गठन हुआ बखो। दोनों जगह संविलियन हुई, भर्तियां हुई, दोनों ही जगह भर्ती और संविलियन में भारी भ्रष्टाचार हुआ। पेपर्स में ये प्रकाशित हुए, जो निर्भीक निडर पत्रकार थे उन लोगों ने इस बात को प्रकाशित किया, जो निर्भीक निडर और ईमानदार राजनीतिक दल थे, राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया, हमने भी उठाया। उसमें बखो नगर परिषद में शहडोल जिले की कार्रवाई हो गई, अनूपपुर जिले के नगर परिषद में जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, वहां तो केवल 1 नगर परिषद था, यहां तो 3-3 नगर परिषद का गठन हुआ है। आप सोचिए कितनी मात्रा में भर्तियां हुई, संविलियन हुआ और कितने पैसे का लेन देन हुआ होगा, इसमें आज तक दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां के जिला प्रशासन ने, वहां के नगरीय प्रशासन ने उस भर्ती घोटाले पर कार्रवाई की, हमारे यहाँ की जिला प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और हम दस्तावेज के साथ ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आज इसलिए आक्रोशित हुए कि हम जानना चाहते हैं कि जिला प्रशासन और भाजपा सरकार किसे बचाना चाहती है, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही।